पूर्णिया के चंपानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर में एक जमींदार परिवार के लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर आपस में ही जमकर मारपीट की है, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। इस संदर्भ में स्थानीय थाना में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत की गई है। बताया गया कि अलाबख्श, खुदाबख्श और करीम बख्श रामपुर के खानदानी जमींदार हैं, जिनका गांव वालों के बीच काफी इज्जत थी, किंतु जमीन को लेकर तीनों भाइयों और उनके बेटों ने जिस तरह से आपस में मारपीट की है, उससे गांव वालों के बीच इस परिवार की काफी फजीहत हुई है। मामला यहां तक पहुंच गया कि मामले को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ी। जो परिवार किसी समय सम्मान के पात्र थे, आज उस परिवार के लोगों की कोई इज्जत समाज में नहीं रह गई है और उस परिवार के लोगों को पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ रही है। मामले के बारे में तीनों भाइयों का अपना अपना दावा है, कोई अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है और सभी अपने अपने को सही ठहराने में लगा हुआ है, किंतु इरादा कुछ और ही है, तभी तो मामला मारपीट और मुकदमा तक पहुंच गया। बहरहाल पुलिस ने दोनों पक्षों का आवेदन लेकर सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि कोई भी विवादित जमीन पर कोई भी काम नहीं करेगा, किंतु पुलिस की हिदायत के बावजूद भी रामपुर में मामला काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। उसका धमकाने लगा, लोग चला गया। उसके बाद मेरे बाबूजी जा रहे थे, फिर आपने बाबूजी को रोकने का कोशिश की कि नहीं आप मत जाइए वहाँ पे, मामला बढ़ जाएगा। फिर भी मेरे बाबूजी आगे बढ़ के चले गए, हम पीछे पीछे गए। ठीक है, हम जब पीछे पीछे गए तो वहाँ हम छुड़ा रहे थे, वहाँ हम मामला को छुड़ा रहे थे। मामला को हम नहीं चाह रहे थे कि कोई किसी की तरफ से कोई मामला हो जाए, तो वहाँ छुड़ाने के क्रम में जो है ये लोग जो है तीर चला दिया, एक तीर यहाँ लगा हमको, और उसके बाद जो है मारपीट स्टार्ट कर दिया। तो हमको भी मारा लाठी से, डंडा से, उसके बाद मेरे बाबूजी को भी मारा और मेरे भाई को भी मारा। मारपीट किया है अलाबख्श, करीम बख्श और लालू। मामला ये हुआ कि जो है उस पर जो है कल 44 हुआ था और 2 बजे जो है छोटा बाबू जा करके रोके और उसके बाद रात में जो है कादो करके 4 बजे भोर में जो है वो रोपाई स्टार्ट कर दिया था खेत में। तो हम लोग गए रोकने के लिए, तो खुदाबख्श जा करके जो है तीर फट्ठा के साथ आया और जो है लाठी था, तीर तो नहीं चलाया, लाठी जो है पहले यहाँ मारा है, ये सिर फूला है और उसके बाद दूसरा लाठी यहाँ मारा है पाँव में। और उसके बाद जो है पुलिस आया, पुलिस जो है सबको यहाँ ला करके जो है रखा है। ये जमीनी विवाद कितना देर से चल रहा है आप लोग? ये लगभग जो है सर 1 साल से चल रहा है। तो आप लोग आपस में सल्टा क्यों नहीं लेते हैं, मारपीट कुतरा हो जाता है? आपस में जो है कोई पार्टी जो है मानता है, कोई पार्टी नहीं मानता। अच्छा, ये मारने वाला कौन सा था आपको? खुदाबख्श था, दोनों लड़का था। वही लोग मारा है जी? वो लोग तो कहना है कि आप भी तीर चलाए हैं उस पर। पूछ लीजिए, कोई दिक्कत ना है, वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, जहाँ कहिएगा मस्जिद में कुरान उठाने के लिए हम तैयार हैं, हम कुरान उठाने के लिए तैयार हैं। अगर एक भी लाठी अगर हम चलाए होंगे, मेरे पास कुछ नहीं था, हम बच्चा को लेकर के गए थे पाँव पिछड़वाने के लिए, जब वहाँ से आए रोड पे देखे जो है एकदम गला गलोच कर रहा था, यहाँ से दौड़ करके गए तो जो है लाठी हम पे चलाया।